कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के मंच पर दिखी कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता, आपस में भिड़ गए कांग्रेसी कार्यकर्ता, तस्वीरें हुई वायरल। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में किस तरीके से जनता तो आक्रोश नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद आपस में आक्रोश करते हुए नजर आए। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा की, जहां पर यहां पे जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही थी। तभी यहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और अनुशासनहीनता की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे जो बुंदेलखंड के प्रभारी बनाए गए हैं अरुण यादव, इनके सामने ही कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करने लगे और अरुण यादव को मंच से कार्यकर्ता को यहां शासन अनुशासन में रहने की बात कहनी पड़ी। तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से अनुशासनहीनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है, और जब पूर्व केंद्रीय मंत्री यहां अरुण यादव मंच से बोल रहे थे, तभी यहां पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। यह बताया जा रहा है कि ये जो कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, ये वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के समर्थक हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि वरदान एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो हंगामा किया है, यह बात बिल्कुल सही है, और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि हाथों में तिरंगा झंडा लिए और पार्टी का झंडा लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरीके से यहाँ पे अनुशासनहीनता कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे सिद्धार्थ शंकर बुंदेला के नारे लगा रहे हैं, तो कुछ यहाँ पे नाती राजा की बात कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस से, वह कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा हैं, जो कि 3 और 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन की बात कही जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार नाती राजा नहीं बल्कि शंकर प्रताप सिंह बुंदेला को टिकट मिलनी चाहिए। इसी बात को लेकर ये दोनों ही नेताओं के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए और इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। लेकिन इस तरीके से अगर कांग्रेस की अनुशासनहीनता सामने आती है, तो कहीं ना कहीं ये शर्मिंदा कर देने वाली तस्वीरें हैं। और अगर इस तरीके से अपने प्रभारी, बुंदेलखंड के जो प्रभारी अरुण यादव मंच पर मौजूद थे, उनके सामने इस तरीके की बात सामने आई है, जिसके बाद कांग्रेस के आलाकमान में भी नाराज़गी देखी जा रही है। बताया यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं का यह तक कहना है कि इस बार कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा को टिकट नहीं मिलनी चाहिए बल्कि शंकर प्रताप सिंह बुंदेला राजा को या उनके बेटे सिद्धार्थ बुंदेला को टिकट मिलनी चाहिए। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर यहाँ पर यह इस तरीके से आक्रोश देखने को मिला है। हालांकि जो कांग्रेस का जन आक्रोश यात्रा निकालने का उद्देश्य था, उसके पीछे यही उद्देश्य था कि जो जनता के अंदर आक्रोश है, वह निकलकर सामने आए, और जिसको लेकर पूरी यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। लेकिन यहां पे जनता का आक्रोश तो सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आक्रोश जरूर देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें वरदान एक्सप्रेस ने आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनुशासनहीनता दिखाते हुए एक शर्मिंदा कर देने वाली तस्वीर सामने लाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पर सुझाव दीजिए, और यहाँ पर कांग्रेस को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।